क्या है, एक तरीके का ये ड्राइविंग फोर्स है जो इंडिविजुअल को इंपेल करता है एक्शन लेने के लिए. ये जो ड्राइविंग फोर्स है ये किस वजह से प्रोड्यूस होता है, बिकॉज ऑफ द टेंशन. जो मैंने आप लोग को उस दिन चार्ट बनवाया था उसमें यही चीज था कि सबसे पहला जो ये टेंशन क्यों अराइज होता है, क्योंकि आपका नीड जो है वो क्या रहता है, अनफुलफिल्ड. ठीक है, जब कोई नीड पूरा नहीं होता है, अनफुलफिल्ड नीड है या फिर वॉन्ट या डिजायर अनफुलफिल्ड है, तो ऐसे केस में टेंशन क्रिएट होता है. क्या क्रिएट होता है? टेंशन क्रिएट होता है. इसीलिए एक ड्राइविंग फोर्स है जो प्रोड्यूस होता है बिकॉज ऑफ द टेंशन. जैसे एग्जांपल में मान लीजिए कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद टू मोटिवेटेड टू डू समथिंग एल्स, राइट? इधर आई एम गोइंग टू अप्लाई इन द अदर कॉलेजेस, इधर आई एम गोइंग टू बेसिकली चेंज माय सेक्टर और आई कैन गो टू द कॉर्पोरेट, बट दिस टेंशन इज समथिंग व्हिच इज मोटिवेटिंग मी टू टेक द एक्शन, राइट? समझ में आया? अब ये जो है ये आपके टेंशन क्यों होता है ये तो समझ में आ गया, अनफुलफिल्ड नीड वॉन्ट्स एंड डिजायर की वजह से. अच्छा, एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नीड्स एंड वॉन्ट्स? तो लेट मी टेल यू कि जो नीड्स होते हैं दैट कैन बी द फिजियोलॉजिकल नीड, जैसे भूख लग रहा है, थर्स्ट, ठीक है, हंगर, ये जो भी चीजें हैं ये आपके फिजियोलॉजिकल नीड में है. लेकिन जो वॉन्ट होता है दैट हाउ यू आर गोइंग टू सेटिस्फाई द नीड, यानी अपने नीड को आप कैसे सेटिस्फाई करेंगे. अब जैसे मान लीजिए मुझे भूख लग रहा है तो आई हैव मल्टीपल ऑप्शंस ऑफ फूड, राइट? इधर आई कैन टेक द ब्रेड, इधर आई कैन गो फॉर द साउथ इंडियन, इधर आई कैन गो फॉर द चाइनीज, राइट? लेकिन नीड जो है ये फूड से फुलफिल होगा, है ना? खान भूख लग रहा तो खाना खाना है. वॉन्ट इज समथिंग दैट हाउ यू वॉन्ट टू फुलफिल योर नीड, यानी क्या खाए, क्या, हाँ, क्या यू, मतलब क्या बेसिकली चूज करें सारे फूड ऑप्शंस में जो मेरे नीड को सेटिस्फाई करे. भूख लग रही है लेकिन मुझे खाने का मन नहीं है ब्रेड, तो आई वांट टू ईट डोसा, तो मैं डोसा खा लूंगी, राइट? सो इसको बोलते हैं वांट, यानी नीड से क्या आपका आगे क्या बढ़ता है, वांट. नीड मतलब फूड चाहिए, वांट मतलब डोसा खाना है. ऑप्शंस समझ में आया? अब आगे सुनिए. इंडिविजुअल स्ट्राइव्स बोथ कॉन्शियसली एंड सबकॉन्शियसली टू रिड्यूस हिज टेंशन थ्रू बिहेवियर that they anticipate will fulfill their need, thus relieve them to stress they feel. इसका मतलब है कि जब individual को कोई need है तो consciously and subconsciously, यानी psychologically it is telling about कि हम क्या करते हैं, tension को reduce यानी कम करने की कोशिश में लग जाते हैं, और इसी वजह से हमारे behavior में भी क्या आ जाता है, change आ जाता है, right? और हम anticipate करने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमारी need को हम fulfill करें. आई बात समझ में? यहां तक सबको क्लियर हो गया? नेक्स्ट है कि ये जो चार्ट था समझ में आया था, सबसे फर्स्ट था क्या, दैट वाज अनफुलफिल्ड नीड वांट्स एंड डिजायर, समझ में आया? सेकंड, इट इज गोइंग टू क्रिएट द टेंशन बिकॉज ऑफ द नीड इज नॉट फुलफिल्ड. थर्ड वन इज इट इज गोइंग टू ड्राइव अस. ड्राइव का मतलब एक्शन लेने के लिए हमें मूव करेगा, डायरेक्शन देगा. Once it is basically moved to drive, now it is going to impact our behavior. अब हमारे behavior में change आएगा. जैसे मान लीजिए कोई UPSC का तैयारी कर रहा है, उसका behavior में क्या change आ सकता है? वो अब अपने friends से थोड़ा कम मिलेगा और अपनी पढ़ाई पे उसका ध्यान थोड़ा ज्यादा चला जाएगा. तो behavior में बदलाव आया. अब वो behavior में change की वजह से आपका goal और जो need है वो fulfill हो जाएगा, because your action is toward achieving the goal. समझ में आया यहाँ तक? सबको क्लियर हो गया? अब यहां पर याद रखिएगा कि इट इज अ कॉग्निटिव प्रोसेस. अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉग्निशन? कॉग्निशन मतलब का लर्निंग, ठीक है? इट इज अ लर्निंग प्रोसेस, एंड वंस योर गोल इज फुलफिल्ड देन योर टेंशन इज गोइंग टू बी रिड्यूस, एंड वंस इफ योर गोल इज नॉट फुलफिल्ड अगेन यू विल गो टू द टेंशन स्टेज. समझ में आ गया? कुछ बच्चे कल लास्ट क्लास में पूछ रहे थे कि मैम ये दोबारा से टेंशन में क्यों जा रहा है. अगर आपका गोल या नीड फुलफिल नहीं हुआ तो आपका टेंशन रिडक्शन होगा, और अगर आपका टेंशन, अगर आपका गोल फुलफिल नहीं हुआ तो अगेन यू विल मूव टुवर्ड द टेंशन स्टेज. समझ में आ गया? फिर वापस से शुरू करेंगे. अब जैसे यूपीएससी का एग्जाम एक बार क्लियर नहीं हुआ तो वापस से आप उसी फेज में चले जाएंगे जहां यू हैव टू स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर द अचीवमेंट ऑफ द गोल. सो दिस पॉइंट इज क्लियर? सबको समझ में आया? ओके, नेक्स्ट ऑफ एक्शन. The specific goal they select and the pattern of action they undertake to achieve their goal are result of individual thinking and learning. अब यहाँ पर जो आपका ये जो goal को achieve करने का तरीका है, ये person की सोच और उसकी सीखने के
वजह से आप में चेंजेस आएगा, यानी कि जो गोल आप अचीव करना चाहते हैं वो हर इंडिविजुअल का तरीका अलग अलग हो सकता है, थिंकिंग पैटर्न अलग अलग हो सकता है, राइट। अब जैसे मान लीजिए सम पर्सन वॉन्ट टू बिकम यूपीएससी बिकॉज ऑफ द सोशल वेलफेयर, यानी समाज के कल्याण के लिए वो बनना चाहते हैं, ठीक है। सम पीपल वॉन्ट टू अर्न प्रॉफिट या मनी, ट्रू दैट कैन बी पावर ऑथोरिटी। तो इन शॉर्ट ये जो गोल अचीव करना है, जो ये रिजल्ट है, ये आपकी लर्निंग, आपके सीखने और आपकी थिंकिंग और आपकी सोच पर डिपेंड करता है, आप क्या सोचते हैं, ठीक है। अब यहां पर ये जो पूरा मोटिवेशन का चार्ट या पोर्ट्रे किया गया है, इसको समझ में आ गया ना, क्लियर हो गया है। चलिए अब एक इंस्टेंस सुनिए। इफ अ हाई स्कूल गर्ल एक्सपेक्ट्स टू बिकम अ ग्रेट टेनिस प्लेयर by wearing the same brand of sneaker that Jennifer Capriati wears, she is likely to be disappointed. If she takes tennis lesson and practices diligently, she may succeed. अब यहाँ कुछ समझ आया ये लाइन से? अगर एक हाई स्कूल की लड़की जो है वो एक्सपेक्ट करती है कि वो ग्रेट टेनिस प्लेयर बन जाए, किस तरीके से? सेम ब्रांड के स्नीकर पहनने से, यानी शूज सेम ब्रांड का पहनोगे जो टेनिस प्लेयर पहनता है, जो अच्छा रिनाउंड टेनिस प्लेयर पहनता है, तो आपको क्या लग रहा है कि वो उसका गोल अचीव होगा? सो प्रैक्टिस लर्निंग एंड अप बोल सकते हैं ना, आपका मोटिवेशन और कंटिन्यूअस एफर्ट, इट इज गोइंग टू बेसिकली हेल्प यू टू अचीव द गोल, राइट। सो यहां पर ध्यान रखिएगा कि अगर कोई, यहां पर एक एग्जाम्पल के थ्रू ये बता रहे हैं कि वो हो सकता है कि स्नीकर पहने से यू आर नॉट गोइंग टू बिकम द रिनाउंड टेनिस प्लेयर, लेकिन अगर वो टेनिस लेसन लेती है, टेनिस लेसन यानी कि वो लर्न करती है, सीखती है, तो ऐसे केस में, और डिलीजेंटली का मतलब बिल्कुल प्रॉपरली, ठीक है, इट्स नॉट अबाउट कि आप सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए सीख रहे हैं। याद रखिएगा कि आज भी यूपीएससी की प्रिपरेशन 1,000,000 लोग करते हैं, लेकिन सिर्फ 10,000 लोग सीरियस होते हैं, याद रखिएगा ये चीज। आ रही बात समझ में? तो इट इज टॉकिंग अबाउट द सीरियसनेस एंड द 100% एफर्ट, अगर आप देते हो टेनिस लेसन में तो आप सक्सीड हो सकते हो, लेकिन यू कैनॉट सक्सीड बाय कॉपिंग द ब्रांड व्हाट द टेनिस प्लेयर इज वेयरिंग। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज, अच्छा कॉग्निशन का मतलब समझिएगा थिंकिंग प्रोसेस एंड लर्निंग, ठीक है, थिंकिंग प्रोसेस। नेक्स्ट वन इज नीड्स, नेक्स्ट वन इज नीड। अच्छा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नीड्स, जो मैंने अभी बताया था, ठीक है। चलो एक बच्चा आना जरा, कोई एक बच्चा यहाँ। Required needs are needs that we learn in response to our culture or environment. This may include needs for self-esteem, prestige, affection, power and learning. Because required needs are generally psychological, they are considered secondary needs or motives. They result from the individual subjective psychological state and from relationships with others. For example, an individual's needs center from the elements, thus finding a place to live fulfills an important family need for a newly transferred executive. However, the kind of coincidence or bias may be the result of secondary needs. She may seek a place in which she and her husband can attain large groups of people. She may want to live in an exclusive community to impress her friends and family. The place where an individual ultimately chooses to live thus may serve to fulfill both family and secondary needs. Chaliye, so basically why I am taking this session. So what is the need? Har ek individual ka need hota hai. If we are human being, hamari need hai, right? Some are innate. Innate is that which is required by every living organism, right? तो अब ये क्या क्या हो सकते हैं? That is physiological. इसमें food आएगा, चाहे वो एक animal भी क्यों ना हो, उसे भी food की जरूरत है. So innate need primary need है, physiological need है, जिसकी जरूरत, और वो biogenic है, यानी हमारे body के लिए it is required, right? अब जैसे आपका food हो गया, water, clothing, ये सब चीजों की requirement है, basic needs है. अब ये जो है एक बायोलॉजिकल लाइफ, यानी कि एक लाइफ सस्टेन करने के लिए, आपको सरवाइव करने के लिए इस नीड की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी. सो प्राइमरी नीड्स या मोटिव्स को हम कहते हैं इनेट नीड्स. दिस पॉइंट इज क्लियर, समझ में आया? नेक्स्ट वन इज एक्वायर्ड नीड्स. नेक्स्ट वन इज एक्वायर्ड नीड.
अब एक्वायर्ड नीड का मतलब क्या होता है, ये वैसा नीड है जिसको हम सीखते हैं, इसको क्या करते हैं हम सीखते हैं इन रिस्पॉन्स टू आवर कल्चर और इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट के हिसाब से इस नीड की जरूरत पड़ती है, जो वैसे नीड जो हम एक्वायर करते हैं बिकॉज टू लर्न इन रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स करने के लिए हमारे कल्चर या इन्वायरमेंट को, इसको कहेंगे हम क्या, एक्वायर्ड नीड। समझ में आया? ये जो होता है ये बहुत सारे टाइप के नीड्स हो सकते हैं, जैसे सेल्फ स्टीम हो गया, रिकॉग्निशन हो गया, ये वैसे नीड है जिसको हम क्यों सीख रहे हैं, रिकॉग्निशन की जरूरत क्यों है, बिकॉज वी आर वर्किंग इन अ ग्रुप और आप चाहते हैं कि लोग मुझे रिकॉग्नाइज करें, तो ऐसे कंडीशन में व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू बेसिकली परफॉर्म वेल, राइट? अगर क्लास में अच्छा एक रिकॉग्निशन चाहिए तो यू हैव टू बिहेव वेल, यू हैव टू बेसिकली परफॉर्म वेल, राइट? सो यहाँ पर ये जो नीड है ये क्या हो सकता है, सेल्फ स्टीम हो सकता है, आपका प्रेस्टीज हो सकता है, अफेक्शन हो सकता है, पावर हो सकता है, लर्निंग हो सकता है, ठीक है? ये सारे एक्वायर्ड नीड है एंड आर जनरली साइकोलॉजिकल। पहला वाला क्या था, फिजियोलॉजिकल, दिस वन इज साइकोलॉजिकल एंड दे आर कंसिडर्ड सेकेंडरी नीड। और ये कौन सी नीड्स है, सेकेंडरी नीड है। अब इस नीड के बिना आप रह सकते हो, सर्वाइव कर सकते हो, लेकिन फिजियोलॉजिकल नीड के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, राइट? अब एग्जाम्पल में देखिए, All individual need shelter from elements. सारे जो भी आपके individual need है, मतलब जो अगर आप देखिए सारे individual को shelter चाहिए, घर चाहिए, ठीक है? Thus finding a place leave fulfill an important primary need. अब ये बहुत अच्छा example है, जैसे देखो मैंने आप लोगों को वही वाली चीज बताई थी ना, need और acquired need में क्या difference है, वो इस example से पता लगेगा। अब हर एक person को घर चाहिए, छोटा हो बड़ा हो घर चलेगा, राइट? ये नीड है। अब नीड को फुलफिल करने के लिए एक रूम का भी कोई घर ले सकता है, पांच रूम का भी घर ले सकता है, दस रूम का भी घर ले सकता है, अकॉर्डिंग टू हिज अफोर्डेबिलिटी, राइट? सो इट इज नोन एज प्राइमरी नीड, दिस इज नोन एज प्राइमरी नीड, क्योंकि बस घर लेना, शेल्टर इज अ नीड। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि अगर मान लीजिए कि कोई पर्सन है या फिर कोई भी है, एक फैमिली की बात हो रही है, हस्बैंड वाइफ है, और वाइफ चाहती है कि हम एक बहुत बड़ा सा घर ले, राइट? और घर लेने का रीजन क्या है, टू शो ऑफ, लाइक टू शो द फ्रेंड्स एंड फैमिलीज दैट वी आर लिविंग इन सच अ सोफिस्टिकेटेड प्लेस एंड पॉश एरिया, ठीक है? थोड़ा बहुत मैं चेंज करके बता सकती हूँ, लेकिन समझिएगा यहाँ पर क्या है। अब वो नीड जो है, ये आपके फिजियोलॉजिकल नीड के साथ साथ साइकोलॉजिकल नीड भी यहाँ क्या हो गया, मिक्स हो गया, कि अब जो पर्सन है उसको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, शो ऑफ भी चाहिए, यानी ईगो, उसका स्टेटस, सब कुछ उसको चाहिए विथ द फिजियोलॉजिकल नीड। अगर कोई पर्सन सिर्फ और सिर्फ फिजियोलॉजिकल नीड पे डिपेंडेंट होता तो इतने बड़े घर की बात करता नहीं। तो यहाँ पर वो चाहती है कि हम इस सोशल नीड को भी फुलफिल करते हुए यहाँ पर एक एक्सक्लूसिव घर ले, फैमिली को दिखाने के लिए, फ्रेंड्स को दिखाने के लिए, ये ईगो नीड को सेटिस्फाई करना हुआ, स्टेटस को दिखाना हुआ, ठीक है? तो यहाँ पर आपका दोनों नीड फुलफिल हो रहा है, प्राइमरी नीड भी और सेकेंडरी नीड भी। क्लियर हो गया? समझ में आया? क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन इज गोल्स, गोल। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गोल? चलिए, गोल्स क्या होता है, सुनिए। Goals are the result of the motivated behavior, ठीक है? यानी finally जो achieve करना वो हमारा क्या हुआ? Goal हुआ। All behavior is goal oriented. आपका जो भी behavior होता है वो goal oriented होता है, कुछ ना कुछ achieve करने का reason होता है, right? Our discussion of motivation, अच्छा ये छोड़ो इसको, जो जनरल आपका जो गोल होगा इट इज बेसिकली फॉर फुलफिलिंग देयर नीड, मतलब नीड के बेसिस पर आप गोल को सेट करोगे। घर में टीवी नहीं है, गोल क्या होगा, टीवी परचेज करना, राइट? चलिए नेक्स्ट वन इज, आई थिंक गोल तो बहुत ज्यादा नहीं है, बस नॉर्मल थोड़ा सा लिखा हुआ है इसमें, सबके बिहेवियर में। अब जैसे मेरा भी कुछ गोल होगा, आप लोग सबका गोल है कि ग्रेजुएशन के बाद अच्छी जॉब लगे, है ना? सो दैट इज अ जेनरिक गोल। जेनरिक गोल का मतलब ये गोल होता है कि जहां पर आप सिर्फ एक जनरल फॉर्म ऑफ गोल को अचीव करना चाहते हो और वो एक नॉर्मल नीड को फुलफिल करने का तरीका है। एग्जाम्पल में
कि अगर एक पर्सन अपने पेरेंट्स को कहता है कि ही वॉन्ट्स टू गेट अ ग्रेजुएट डिग्री, ही हैज स्टेटेड अ जेनेरिक गोल. अगर उसने ये बताया कि मुझे ग्रेजुएशन की डिग्री लेनी है तो वो कौन सा गोल हो गया? जेनेरिक गोल. ठीक है, इसमें एक्सेसिव एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, इफ यहां तक समझ में आ गया. लेकिन अगर यही पर्सन बोले कि मुझे ग्रेजुएट डिग्री लेना है, IIM से लेना है, मुझे MBA करना है, तो ये जेनरिक नहीं, स्पेसिफिक गोल हो गया. क्या हो गया? स्पेसिफिक गोल. स्पेसिफिक गोल इसीलिए हो गया क्योंकि यहां आपने स्पेसिफाई कर दिया है कि हमें कहां से MBA की डिग्री लेनी है. अब एक पर्सन कह रहा है मुझे MBA करना है, वो कौन सा गोल हो गया? जेनरिक गोल. MBIM से करना है स्पेसिफिक गोल, जहां यू आर स्पेसिफाइड एंड पुटिंग द कंडीशन दैट फ्रॉम वेयर यू आर गोइंग टू बेसिकली टेक द डिग्री. दैट इज योर स्पेसिफिक गोल. दिस पॉइंट इज क्लियर? समझ में आ गया? अब क्लियर हो रहा है? लास्ट क्लियर हो गया, यहां समझ आ गया. अब एक पर्सन है, कहता है मुझे कार लेना है. ठीक है, अब यहां पर पर्सन जो है वो कह रहा है मुझे कार खरीदना है, तो आपको क्या लगता है, वो जेनरिक गोल हुआ या स्पेसिफिक गोल हुआ? जेनरिक गोल. अब भाई पर्सन ने कहा मुझे ऑडी कार या BMW लेना, ये कौन सा गोल हो गया? स्पेसिफिक गोल. राइट, समझ में आया? अब बहुत सारे ऐसे ट्रेड एसोसिएशंस हैं या बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो जेनरिक गोल्स को एडवर्टाइज करती हैं. राइट, कि जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा सर्विस सेक्टर का एग्जांपल लें तो कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो दे आर नॉर्मली टॉकिंग अबाउट देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स एंड टाइप ऑफ कोर्सेज. राइट, सो दैट इज बेसिकली प्रमोटिंग द जेनेरिक गोल. बट इफ दे विल स्टार्ट शोइंग दैट वी आर गोइंग टू गिव यू डिग्री फॉर फ्रॉम द वेरी एक्सक्लूसिव लाइक फ्रॉम द फॉरेन कंट्री की यूनिवर्सिटी से हम आपको दिलवा रहे हैं डिग्री, तो ये आपके कौन सा गोल हो गया? स्पेसिफिक गोल. आगे बात समझ में? ओके, नेक्स्ट वन इज, चलिए ठीक है, आई गेस यहां तक तो बहुत हो गया, ये समझ में आ गया ना? तो जेनरिक गोल भी हो सकता है और स्पेसिफिक गोल भी हो सकता है, प्रोडक्ट स्पेसिफिक गोल भी हो सकता है. अब सिलेक्शन ऑफ गोल की बात करें, सिलेक्शन ऑफ गोल्स, तो गोल्स को कैसे सिलेक्ट करना है? चलिए, तो यहां याद रखिएगा, द सिलेक्शन ऑफ गोल फॉर एनी गिवन एड दे मेनी देयर आर मेनी डिफरेंट एंड एप्रोप्रिएट गोल्स. यानी कि जो आपको अचीव, जो नीड है आपका, उस बेसिस पर बहुत टाइप के क्या है, गोल्स हैं. लेकिन उस गोल्स में आपको अचीव करना है कि कौन से गोल को अचीव करना है आपको, यू हैव टू चूज अमॉन्ग द वेरियस गोल. अब जो गोल्स है वो डिपेंड करता है पर्सनल एक्सपीरियंस पर, यानी आपने क्या एक्सपीरियंस किया है, आपकी फिजिकल कैपेसिटी पे, आपकी क्या कैपेबिलिटी है कि आप क्या काम कर सकते हो, और आपके प्रिवेलिंग कल्चरल नॉर्म्स और वैल्यूज पे, और गोल कितना एक्सेसिबल है फिजिकली और फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट के बेसिस पर, इसके बेसिस पर आप गोल को चूज करोगे. अब जैसे मैं तुम लोगों को यूपीएससी का एग्जांपल कितनी बार दे चुकी हूँ, राइट, फिर से इसका एग्जांपल लेते हैं. अब जैसे किसी पर्सन में ही और शी इज नॉट सेटिस्फाइड, तुम दोनों का क्या फेस इतना क्यों बन रहा है, तुम दोनों का, एक तो तुम दोनों थोड़ा डिस्टेंस बना के बैठो. एग्जांपल ऑफ दिस, अब हर एक कोई यूपीएससी सेट कर लेगा एग्जाम? नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा? टफ है, उसको अचीव करना बहुत मुश्किल है. तो यहां पर जो, अगर फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ माई जॉब, सो आई हैव मल्टीपल ऑप्शन टू डू समथिंग डिफरेंट. इधर आई कैन स्टार्ट माई ओन बिजनेस, बाहर जाओगे तो इधर आई कैन स्टार्ट माई ओन बिजनेस, इधर आई कैन ज्वाइन द कॉर्पोरेट, इधर आई कैन ज्वाइन द ट्यूशन सेंटर और कोचिंग सेंटर, है ना? सो मल्टीपल गोल्स है, इसमें से मैं वही गोल को अचीव करने की कोशिश करूंगी जो मैं कर सकती हूँ. और इसका क्या रीजन होगा, ये मैं क्यों सोचूंगी कि भाई मैं काम करती हूँ, मैं अपना बिजनेस शुरू करती हूँ? या तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा होगा कि बिजनेस पर्सन या फिर मैं जितने लोगों को जानती होंगी वो सारे बिजनेस में सक्सेसफुल है. सेकेंड हो सकता है कि मैं बिजनेस अच्छे से कैपेबल हूँ कि मैं कर सकती हूँ बिकॉज मेरा स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग है, मान लीजिए एग्जाम्पल में, और मेरा जो कल्चरल नॉर्म्स वैल्यूज है या मेरी फैमिली में, और दैट इज द फैक्ट, दैट इज द ट्रुथ, समहाउ इन माय फैमिली मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर इन बिजनेस, तो मेरी फैमिली नॉर्म्स और कल्चर ऐसा है कि मुझे बिजनेस के लिए सपोर्ट किया जाएगा और वो एक्सेसिबल भी है, यानी कि मैं उसको अचीव कर सकती हूँ, यानी बिजनेस शुरू कर सकती हूँ. तो ये सारे फैक्टर्स के बेसिस पर व्हाट आई एम गोइंग टू स्टार्ट, आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस. ठीक है, सो यू हैव ऑप्शंस ऑफ मल्टीपल गोल,
but which goal you want to achieve, it is basically dependent on all these factors. Clear ho gaya? Samajh mein aaya sabko? Chaliye, next one is example mein yahan par ek diya hua hai, ek example suniye. An individual may have a strong hunger need. If he is young college athlete, he may envision a thick sirloin steak as his goal object. If his doctor had advised him to avoid red meat, he may settle for a thick tuna steak instead. अब यहां पर देखिए, एक individual person है और उसको बहुत तेज भूख लग रही है, ठीक है? अब वो कॉलेज एथलीट है, एथलीट जो है यानी स्पोर्ट्स में, तो स्पोर्ट्स के पर्सन को प्रोटीन वगैरह ज्यादा लेना पड़ता है, राइट? तो अब उसको मेन क्या चाहिए? थिक सिरलॉइन स्टिक चाहिए. वो थिक सिरलॉइन स्टिक, इट इज अ नॉन वेज, चाहिए. उसका गोल ऑब्जेक्ट ये है. लेकिन उसको डॉक्टर ने बोला है कि रेड मीट अवॉइड करने के लिए. क्या अवॉइड करने के लिए? रेड मीट अवॉइड करने के लिए. तो ऐसे केस में अब, लेकिन एथलीट है तो कुछ तो ऐसा ही चाहिए ना जिसमें उसको एक प्रोटीन और एक प्रॉपर उतना ही न्यूट्रिशन मिले. तो अब वो क्या करेगा? टूना. टूना इज अ काइंड ऑफ अ बिग फिश, ठीक है? सो टूना ही वो खा करके वो बेसिकली सेटिस्फाई रहेगा, राइट? अब यहां ये चीज इसलिए क्योंकि डॉक्टर ने उसको मना किया है रेड मीट खाने के लिए. तो अब उसका गोल जो है वो क्या हो रहा है? गोल अचीव करने का तरीका यहाँ पर चेंज हो रहा है, ठीक है? गोल तो वही है कि भाई हेल्दी रहना है, लेकिन जो तरीका है उस गोल को अचीव करने का, दैट इज बेसिकली चेंज, ठीक है? If he has a toothache, he may not be able to chew a stick. He may have to select the hamburger. और अगर मान लीजिए उसके दांतों में दिक्कत है और वो स्टिक को नहीं प्रॉपरली च्यू कर पा रहा, चबा पा रहा है, तो हो सकता है वो हैमबर्गर खा ले. If he has never tested steak, if he is outside the realm of the personal experience, or he probably would not even think of stick, but instead would select a food previously satisfied his hunger. और अगर वो बाहर है कहीं पर और उसका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वो जान रहा है कि वुड नॉट इवन थिंक, मतलब ही इज नॉट थिंकिंग अबाउट अ स्टिक, तो ऐसे केस में वो कोई भी फूड को सेलेक्ट कर लेगा. यानी नीड को सेटिस्फाई किसी भी हाल में करना है. फाइनली जो गोल है वो आपका सोशली एक्सेप्टेबल और फिजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए. अगर वो कॉलेज एथलीट अपनी माँ के साथ बैठ करके रात में डिनर कर रहा है और शी माइट डिसअप्रूव, और उसकी माँ मना कर देती है किस बात के लिए कि ईटिंग रेड मीट एंड इंसिस्ट he eat the fish or chicken instead, if he are sip wrecked on an, अच्छा यहीं तक लिए, chicken instead, मतलब समझ में आया कि ये जो चारों रीजन था ना, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस, आपका सोशल और फिजिकल एक्सेप्टेबल, उस सब पे एक एक पॉइंट बोला गया है. जो सबसे पहला था, एक रीजन था यहाँ पर आपका पर्सनल एक्सपीरियंस, तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस था कि भाई फूड कुछ भी मिले खा लेंगे, ठीक है? एक आपका है फिजिकल, फिजिकल कैपेसिटी के ऊपर तो दिया नहीं है, लेकिन हाँ कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज और सोशली एक्सेप्टेबल के ऊपर यही दिया हुआ है कि अगर मान लीजिए कि आपको, आप मदर के साथ बैठकर नॉनवेज खाना चाह रहे हो कि खा लेते हैं, तो माँ तो मना कर देंगी अगर नॉनवेज के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको दूसरा ऑप्शन चूज करना पड़ेगा. और यहाँ पर उसकी मदर ने उसे अलाउ कर दिया है टू ईट फिश और चिकन, लेकिन उसको रेड मीट खाने से क्या हो गया? डिसअप्रूव कर दिया गया. यानी कि आपका गोल जो है कई बार इसीलिए भी चेंज होता है क्योंकि वो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होता है. आई बात समझ में? क्लियर हो गया? चलिए, नेक्स्ट वन इज मींस एंड एनालिसिस. मींस एंड एनालिसिस यानी कि आपका जो मींस क्या होगा और आप इसके लिए क्या प्रोडक्ट को चूज करेंगे, ठीक है? यानी आपका मींस क्या है? वैल्यू, मींस एंड प्रोडक्ट, ठीक है? मींस रिलैक्स, क्या ले सकते हो प्रोडक्ट में? टी, टी कॉफी. अगर आपको लो शुगर और लो कैलोरीज लेना है तो आप क्या करोगे? शुगर फ्री, डाइट कोक और डाइट फूड, राइट? क्योर हेडेक एंड कीप क्योर हेडेक्स, क्या होगा? हेडेक को सही करना है तो उसके लिए क्या होगा गोल? प्रोडक्ट क्या होगा? कॉफी हो सकता है, मेडिसिन हो सकता है और पेन रिलीवर हो सकता है, राइट? बाम वगैरह कुछ भी. नेक्स्ट वन इज कीप टीथ, टीथ को बेहतर रखना. गुड हेल्थ की सारी बातें हो रही है. गुड हेल्थ जो है ये वैल्यू है. और इसके मींस क्या क्या है? यानी रिलैक्स होना चाह रहे हैं. अगर रिलैक्स नहीं हो तो आपके हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा ना, तो रिलैक्स के लिए टी, लो शुगर के लिए डाइट कोक या फिर डाइट फूड या शुगर फ्री,
हेडेक सही करना है तो पेन रिलीवर ले सकते हैं, बाम ले सकते हैं, दवाई या फिर टी। अगर टिथ सही रखना है तो क्या करोगे? गुड टूथपेस्ट एंड टूथब्रश डेली, है ना, करते हो ना। चलिए नेक्स्ट वन इज क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस के लिए डेली बाथ, राइट। और नेक्स्ट, अगर आपको जो यूटेंसिल्स है उसमें से अगर आपको जर्म्स हटाना तो क्या यूज करना पड़ेगा? प्रॉपर डिश वॉशर। नेक्स्ट वन इज फील हैप्पी, उसके लिए न्यूज, म्यूजिक, फ्लावर्स, ये सब, ठीक है। पता नहीं ये क्यों लिखा है इन्होंने, लेकिन मुझे भी। नेक्स्ट सुनिए, गुड डाइट के लिए आप क्या कर सकते हो? पीनट बटर। तुम अपना बता रही हो क्या ब्रेकफास्ट का रूटीन? मतलब आप अच्छे फ्रूट्स लीजिए, नॉनवेज में आप चिकन ले सकते हैं या फिर कुछ आइटम ले सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट वन इज न्यूट्रिशन के लिए क्या ले सकते हो? न्यूट्रिशन के लिए हाँ वो तुम वो नहीं ले सकते हो जो प्रोटीन का जो तुम बता रहे हो पाउडर, बिकॉज दैट इज ओनली एडवाइस फॉर द पीपल हु आर डूइंग जिम, राइट। ऐसे ही ले लोगे और एक्सरसाइज नहीं करोगे तो पता है क्या होगा बॉडी में? और तुम कमेंट नहीं करना बंद करोगे, ठीक है। अगर बात करें प्रोटीन की तो हम लोग फ्रूट्स या नेचुरल आइटम से प्रोटीन ले सकते हैं, या फिर अगर डिफिशियंसी है तो वी कैन टेक द मेडिसिन, राइट। नेक्स्ट वन इज इफ मतलब गर्मी है बहुत ज्यादा, एक्सट्रीम गर्मी, स्कॉचिंग हीट, उसके लिए क्या ले सकते हैं? कूलर या फिर एयर कंडीशनर, राइट। ओके, नेक्स्ट वन इज फॉर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं? वॉकिंग, योगा, साइकिलिंग, राइट, मेडिटेशन। तो ये सारी चीजें आपके एक्सरसाइज में, खैर फिजिकल एक्सरसाइज की बात आती है, आपकी मेडिटेशन वगैरह होती है, साइकोलॉजिकल और ये आपके मेंटल पीस के लिए होता है। अच्छा, नेक्स्ट वन इज अगर आप इनर्जेटिक रहना चाहते हो, फिर जॉगिंग, रनिंग, प्रोटीन। सो आई गेस मेजोरिटी ऑफ द थिंग्स आर रिलेटेड विद द हेल्थ। और गुड हेल्थ के लिए हमें क्या क्या मींस है, यानी कैसे हम ठीक हो सकते हैं, हमारा गुड हेल्थ में क्या क्या चीजों की जरूरत है? तो एक्सरसाइज करने की जरूरत है, रिलैक्स रहने की जरूरत है, डाइट फॉलो करने की जरूरत है, और इन सब के लिए हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स को यूज करने की जरूरत है, दैट इज द प्रोडक्ट। मतलब क्या क्या चीजों की जरूरत है, दैट इज द प्रोडक्ट। किस तरीके से गुड हेल्थ होगा, दैट इज अ मींस। और वैल्यू क्या है गुड हेल्थ, क्या आ रहा है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट वन इज इंटरडिपेंडेंस ऑफ नीड्स एंड गोल्स। इंटरडिपेंडेंस ऑफ नीड्स एंड गोल्स, तो नीड्स और गोल जो है वो एक दूसरे पे निर्भर है। क्या चीज पे निर्भर है? एक दूसरे पर निर्भर है। जैसे रोहित और क्या नाम है अनमोल, दे बोथ आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, लाइक द सेम सिचुएशन इज विद द नीड एंड वॉन्ट्स, नीड्स एंड गोल्स, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्लास से तुम दोनों को बाहर करूंगी मैं। वापस आते हैं इंटरडिपेंडेंस ऑफ नीड्स एंड गोल्स में, कि जो नीड्स और गोल है इंटरडिपेंडेंट है और एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते, राइट। हाउएवर पीपल आर ऑफन नॉट एज अवेयर ऑफ देयर नीड्स एज दे आर ऑफ देयर गोल। यानी कि हाउएवर जो पीपल है, हो सकता है कि वो अपने नीड्स से अवेयर ना हो एज दे आर ऑफ देयर गोल्स। ये लाइन एक मिनट, कि लोग अपनी नीड से ज्यादा अवेयर ना हो लेकिन वो अपने गोल से अवेयर हो, ठीक है, रहते। फॉर एग्जाम्पल एक टीनेजर है, टीनेजर एज बिटवीन 12 to 18, राइट। सो अ टीनेजर मे नॉट कॉन्शियसली बी अवेयर ऑफ हिज सोशल नीड बट मे ज्वाइन अ फोटोग्राफी क्लब टू मीट न्यू फ्रेंड्स। यानी कि उसे ये नहीं पता, ये तुम लोग सब बच्चों की हंसी का रीजन क्या है, कुछ यहाँ जोक चल रहा है या क्या चल रहा है? टीनेजर है, अब एक टीनेजर है, उसको ये नहीं पता है कि न्यू दोस्त क्यों बनाना है, फ्रेंड्स क्यों बनाना है,
बल्कि इसीलिए बनाना होता है बिकॉज दैट इज अ सोशल नीड जो मैस्लो ने डायरेक्ट किया, तुम्हें पढ़ा था हमने कि फैमिली फ्रेंड्स की रिलेटिव्स की क्यों जरूरत पड़ती है, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग, हमें सोशलाइज रहना अच्छा लगता है, लोगों से बातें करना अच्छा लगता है, राइट? तो अब ये जो टीनेजर है उसको ये नहीं पता है कि उसका जो नीड है वो सोशल नीड है, लेकिन वो फिर भी उसने फोटोग्राफी क्लब को ज्वाइन कर लिया. किस क्लब को ज्वाइन किया? फोटोग्राफी क्लब को ज्वाइन कर लिया. फोटोग्राफी क्लब को उसने ज्वाइन कर लिया फॉर मेकिंग द न्यू फ्रेंड्स. किस चीज के लिए? न्यू फ्रेंड्स को बनाने के लिए. अब उसके दिमाग में नए दोस्त बनाना, लेकिन वो नया दोस्त क्यों बनाना चाहता है उसके पीछे का नीड उसको पता नहीं है. सो यहाँ पर यही चीज बोला जा रहा है कि बिना नीड के कोई गोल होता नहीं है, लेकिन कई बार लोग नीड को नहीं पहचानते लेकिन गोल पहचानते हैं कि नए दोस्त बनाना है. दिस इज द एग्जाम्पल. ठीक है, लोकल पॉलिटिशियन. पॉलिटिशियन कौन होते हैं? हु आर बेसिकली जॉइंड द पॉलिटिकल पार्टीज. तो एक लोकल पॉलिटिशियन मे नॉट कंसियसली बी अवेयर ऑफ पावर नीड बट मे रेगुलरली रन फॉर द पब्लिक ऑफिस. यानी कि एक लोकल पॉलिटिशियन है जिसको बिल्कुल वो कॉन्शियस और अवेयर नहीं है कि उसको जरूरत है किस चीज की? पावर नीड की. किस चीज की जरूरत है? पावर नीड की. लेकिन वो फिर भी रेगुलरली कहाँ जा रहा है? पब्लिक ऑफिस में जा रहा है. ठीक है, पब्लिक ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस में वो विजिट कर रहा है. तो वो विजिट क्यों कर रहा है पब्लिक ऑफिस में? क्योंकि उसका जो नीड है दैट इज अ पावर नीड, और वो अपने पावर से चीजों को बेहतर और बेटर करना चाहता है, राइट? नेक्स्ट वन इज अ कॉलेज स्टूडेंट मे नॉट कॉन्शियसली रिकॉग्नाइज हर नीड फॉर अचीवमेंट. मैकलेलैंड की थ्योरी याद है ना, अचीवमेंट, एफिलिएशन एंड पावर. ठीक है, तो एक कॉलेज स्टूडेंट है, मे बी वो कॉन्शियसली रिकॉग्नाइज कर रही है, मे नॉट बी कॉन्शियसली रिकॉग्नाइज हर नीड फॉर अचीवमेंट बट मे स्ट्राइव टू अटेन अ स्ट्रेट अ ग्रेड पॉइंट एवरेज. यानी कि उसे ये नहीं पता है कि वो उसके अंदर क्या कौन है, क्या है बेसिकली अचीवमेंट की नीड है कि मुझे कुछ अचीव करना है, और उसे ये बात नहीं पता है कि मुझे अचीवमेंट मेरा ये नीड है, लेकिन वो फिर भी क्लास में अच्छा परफॉर्म करने के लिए मेहनत कर रही है और अच्छे मार्क्स लेकर आ रही है, अपने ग्रेड के इम्प्रूवमेंट के लिए वो काम कर रही है. तो इसका मतलब ये जो तीनों एग्जाम्पल थे वो तीनों एग्जाम्पल में एक चीज पता था कि नीड सबकी है लेकिन नीड की अवेयरनेस नहीं है और गोल ऑलरेडी सेट है. यहां तक पॉइंट समझ आया? इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड पॉजिटिव एंड निगेटिव मोटिवेशन. ठीक है, किसी को कोई डाउट है ये पूरा टॉपिक जितना भी हम लोगों ने किया? क्लियर है सबको? एवरीथिंग इज क्लियर? साइकोलॉजिकल नीड्स होते हैं. हाँ, देखो सुनो, जो प्राइमरी नीड है ना वो आपके सर्वाइवल के लिए जरूरी है. जैसे खाने के बिना नहीं रह सकते, पानी के बिना नहीं रह सकते, खाने के बिना नहीं रह सकेंगे, पानी के बिना नहीं रह सकते हैं. तो दैट इज अ बायोलॉजिकल और अ फिजियोलॉजिकल, जिसके बिना सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल है, राइट? लेकिन जो साइकोलॉजिकल नीड है उसके बिना आप सरवाइव कर सकते हो. अगर आपको कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा तो आपको कोई फर्क पड़ेगा? ज्यादा नहीं पड़ेगा. अगर कोई सेल्फ स्टीम वाली बात नहीं है तो भी नहीं पड़ेगा. तो ये ऐसी नीड है जिसको हम एक्वायर करते हैं एनवायरमेंट से. अब आपके आसपास सारे बच्चे टॉपर होंगे तो आप भी तो कोशिश करो कि मैं टॉप करूं. तो इसको आपने एक्वायर किया अपने कल्चर से, अपने एनवायरमेंट से. आई बात समझ में? तो जो नीड को हम एक्वायर करते हैं और जिसके बिना हम सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उस नीड को हम क्या बोलते हैं, हाँ, अचीव करना चाहते, दैट इज अ साइकोलॉजिकल, सेकेंडरी एंड एक्वायर्ड. क्लियर हो गया?